हेलो ऑल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम सब घर में इस तरह से फूले फूले हुए सॉफ्ट से भटूरे कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं भटूरे बनाने की रेसिपी की ओर। भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, 300 ग्राम मैदा लिया है मैंने, एक कटोरी सूजी, दही एक कटोरी, पानी थोड़ा सा, ऑयल स्वाद के अनुसार, नमक और बेकिंग सोडा। अब हम सबसे पहले एक बाउल में लेते हैं मैदा, उसमें डालते हैं नमक और डालते हैं बेकिंग सोडा आधा चम्मच। इन सबको हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून। फिर हम लेते हैं एक कटोरी सूजी, उसमें हम डालते हैं एक कटोरी दही और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी गीला हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाते हैं और इसका अच्छा सा एक डो बना लेते हैं। अब हम इसमें ऊपर से डालते हैं 2 चम्मच ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो डो है हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट सा बना है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देते हैं। दो से तीन घंटे के बाद, चूंकि इसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है तो ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लेते हैं। कुछ इस तरह से इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। और अब हम इसे अच्छे से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पट्टे में भी ऑयल लगा देंगे और बेलन में भी ऑयल लगा देंगे और इसको हम गोल शेप में बेल लेंगे। बहुत बड़ी सी हमको रोटी नहीं बनानी है, हम इसको एक ऐसा मीडियम शेप में इसको बनाएंगे इस तरह से। तो ये बन गई हमारी परफेक्ट शेप की रोटी। इसी तरह से हम और दूसरी लोई को भी अच्छे तरीके से इसी तरह से गोल बेल लेते हैं। परफेक्ट राउंड शेप में
अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं और गर्म तेल में हम इसे तल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा फूला हुआ भटूरा जो है वो हो चुका है रेडी। जब इस तरह से ये गोल्डन हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं और भटूरे को हम छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो चुका है हमारा भटूरा बिल्कुल तैयार, रेडी फॉर ईट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को